मैं ये कह रहा था कि आज हमारा समय नहीं है भाषण करने का। हमने जिस महनीय व्यक्ति को बुलाया है, जिसे देश हमेशा सुनना चाहता है, अगर मलिक साहब आप नहीं पुलवामा के बारे में बोलते तो देश को कभी पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। जर सत्यपाल मलिक यांनी मोदीचा बुरखा फाडला नसता तर पुलवामा मध्ये जे 40 जवान शहीद झाले आणि या देशामध्ये देशाच्या जवानांच्या संदर्भात सुद्धा निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकारण करण्यासाठी बळी घेतले जातात, हे दळबदरी राजकारण या जगाला कधी कळलं नसतं, म्हणून आपण सगळ्यांनी सत्यपाल मलिक यांचे सदैव ऋणी राहायला पाहिजे की त्यांनी सत्य समजलं। नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं, अब तो वहां बैठे हैं ना, वो मोदी नहीं है, 10 साल वाले मोदी नहीं है, 10 साल पहले के मोदी नहीं है, एक निर्जीव बॉडी है, उनको हमने हराया है, हार चुके हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी हार चुकी है, 240 नहीं, ये 180 पर रुके हैं, बाकी की सीटें चोरी चपाटी करके उसने। महाराष्ट्र की बात अगर हम करें मलिक साहब, तो महाराष्ट्र में 8 सीटें ऐसी है ये चोरी की है, ये लफंगे है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी 10-12 सीटें हैं, ओडिशा में है, जो बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से वो हार रहे थे। तो गृह मंत्री दिल्ली से फोन कर करके डीएम को धमका रहा था कि घोषित करो घोषित करो घोषित करो, हम देख लेंगे बाद में। तो आप लोग हार गए हैं, आपको नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी जी का नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति राम मंदिर से लेकर पुलवामा के जवानों का भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे व्यक्ति इस महान देश की प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, 2002 में गोधरा कांड हुआ, ये दूसरा पहला पुलवामा था, गोधरा साबरमती एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ 17 फरवरी 2002 को, ये उनका पहला पुलवामा था, और बार बार ही देश में छोटे मोटे पुलवामा ये करते आए। और उसके बाद कहा कि गुजरात उनकी प्रयोगशाला है हिंदुत्व की, ऐसा हिंदुत्व हमने कभी देखा नहीं, उनसे ज्यादा कठोर हिंदुत्ववादी हम हैं, बाला साहब ठाकरे। गुजरात उनकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला और महाराष्ट्र भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गई है। देशातला सगळ्या प्रकारचा भ्रष्टाचार या महाराष्ट्रात करून मिळतो अशी सध्या परिस्थिती आहे, सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार, सब कुछ खरीदा जा सकता है महाराष्ट्र में। और मोदी जी आग बंद करके नहीं, खुले आंख से भ्रष्टाचार देख रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मोदी जी, ये महाराष्ट्र की सरकार जो भ्रष्टाचार से बनी है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और हमारे परम आदरणीय सर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, किसी ने कहा कि सभी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस ठूस के बंद कर रहे हैं, उसमें से मैं भी हूं।
हमको भी ठूस ठूस के अंदर भरते, लेकिन हम ठूस ठूस के बाहर निकले। और इसलिए हमें, हमारे जैसे राजकीय कार्यकर्ताओं का आवाज इसलिए दबाया जा रहा है, और हमारा कानून, हमारी न्याय व्यवस्था इसलिए चुप है कि वो प्रधानमंत्री के साथ आरती कर रही है। ऐसा कभी देश में हुआ नहीं इतिहास में। इसलिए मैं आप जैसे जो लोग हैं जो आज भी लड़ना चाहते हैं, और सिर्फ लड़ना नहीं चाहते तो लड़ेंगे और जीतेंगे की बात करते हैं, तो अभी हम तो लड़ाई जीत गए हैं, लेकिन और हमको आगे जाना है। महाराष्ट्र अगर हम जीतेंगे, जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतेंगे, समझ लीजिए मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र का जितना मोदी के लिए खतरे की घंटा है। महाराष्ट्र हम जीतेंगे तो समझ लो जो ज्या दोन कुबड़े हैं, चंद्राबाबू आणि नीतीश कुमार भाग जाएंगे, हवाई बदल जाएगी। इसलिए जो सिविल सोसाइटी की बात हम कर रहे थे, और आप लोगों ने जो काम किया है लोकसभा चुनाव में सभी ने, वो जारी रखना चाहिए। और उल्का जी, आप हमें जरूर सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछना ये डेमोक्रेसी का बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमको सवाल पूछना चाहिए, जो सत्ता पे है सवाल पूछना चाहिए। सबसे पहले ये देश का संविधान लगभग हमने महाराष्ट्र ने बचा लिया है। अगर महाराष्ट्र ने ये निर्णय नहीं दिया होता तो मोदी संविधान निकल जाता। लेकिन महाराष्ट्र को जितना है, महाराष्ट्र हमेशा देश को दिशा दिखाता है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की भूमि है, संविधान बनाने वालों की भूमि है ये, और आप सब लोग हमारे साथी लड़ने वाले हैं। और मैं फिर एक बार सत्यपाल मलिक जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप इस भूमि पर आए हैं, आप योद्धा हैं, और आप हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। जरूर आने वाले दिनों में आपको महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक नया माहौल आपको दिखेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।